गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सेमारो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सेमारो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से, और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और JioTV CMRO के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से, और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर।
तो गाइस इसी तरीके से चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया AA फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और JioTV CMRO के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी।
और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशालराज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी से एमआरओ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइज इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पोपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशालराज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी से एमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको एक बार जरूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफी आनंद आएगा और मतलब
आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफी अच्छे, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सेमारो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी रे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको एक बार जरूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफी अच्छे, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एयर फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एयर फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एयर फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एयर फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर।
तो गाइस इसी तरीके से चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया AA फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और JioTV CMRO के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी।
और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशालराज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एयर फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सेमारो के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग हैं। और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइज इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशालराज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एयर फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सेमारो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को,
और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज चलिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश तंडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए, और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइज इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से, और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश तंडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया AA फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया AA फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सेमारो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सेमारो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर।
तो गाइस इसी तरीके से चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सेमारो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी रे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी।
और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशालराज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग है, और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइज इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशालराज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइज इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को,
और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव और गाइज इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइज इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव और गाइज इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सेमारो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सेमारो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर।
तो गाइस इसी तरीके से चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और JioTV CMRO के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी।
और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए, और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइज इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए, और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइज इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को,
और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है, पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से, और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए वन टाइम के लिए। सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह हैं कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको एक बार जरूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश संडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी सीएमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको एक बार जरूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी से एमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देखकर, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा, और सचिन विनोद मोदी के द्वारा, और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और राइमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी से एमआरओ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर।
तो गाइस इसी तरीके से चार सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है संजय चौधरी के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो हैं के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और JioTV CMRO के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरे, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइस इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोदका डायरीज मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह कुशल श्रीवास्तव, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है वैभव वाजपेयी के द्वारा और सचिन विनोद मोदी के द्वारा और कुशल श्रीवास्तव के द्वारा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे विशाल करकेरा और विशाल राज और कुशल श्रीवास्तव और अतुल पुपनेजा और विवेक सुशिंदर कुलश्रेष्ठ। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे के मैनन और रायमा सेन और मंदिरा बेदी।
और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आलाप मजगावकर के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संदेश सांडलिया के द्वारा और हैरी आनंद परवाज के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया संजय चौधरी के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है के स्कोप एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और विशाल राज फिल्म्स एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया AA फिल्म्स के द्वारा और अमेजन प्राइम के द्वारा और नेटफ्लिक्स के द्वारा और जियो टीवी CMRO के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज की गई थी 19 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो कि 1.26 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं, और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है बेपरवाह, और गाइज इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है सखी, और गाइज इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है हीरिए, और गाइज इस मूवी के अंदर चौथा और आखिरी सॉन्ग है वो है अंगूर। तो गाइज इसी तरीके से 4 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, मीडियम है, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है पर फिर भी सही रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मुझे सही लगी, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको एक बार ज़रूर देखें, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, वन टाइम में आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका टाइम पास होगा अच्छे से और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, वन टाइम के लिए सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।